गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज फॉर क्लास 8. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड अ थियोरेटिकल पोर्शन, दैट इज वी हैव कंप्लीटेड द पोर्शन सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन आवर प्रीवियस क्लासेज. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक. सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज, और हम लोग एक्सरसाइज को समझते हुए चलेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सरसाइज इस चैप्टर की. यहाँ पे ये एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. ओके, तो आपके सामने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. अगर आप चाहें तो अपना आंसर चेक कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए, ये आंसर दिया हुआ है, तो मैं पढ़ दे रहा हूँ. सम फाइबर्स विच आर नॉट नेचुरल मीन्स मैन मेड फाइबर्स कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज दे आर मेड बाई केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स. ओके, द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कॉल्ड पॉलीमर्स. सम ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयन, नायलॉन एंड एक्रिलॉन. ओके, तो स्टूडेंट, ऐसे फाइबर्स जो कि मैन मेड फाइबर होते हैं, जिनको केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, उनको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. जनरली पेट्रोकेमिकल्स इनके लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं, और इनके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए जा रहे हैं, रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. तो आप इसको और भी डिटेल में लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर टू टिक द करेक्ट. बच्चों, यहाँ पे हम टिक करेंगे करेक्ट को. क्वेश्चन इज रियान इज डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर बिकॉज. कहने का मतलब, रियान क्यों डिफरेंट है सिंथेटिक फाइबर में. हियर इज थ्री ऑप्शंस. इट हैज ए सिल्क लाइक अपियरेंस. सेकेंड वन इज द इट इज obtained from the wood pulp and its fiber can also be woven like the those of the natural fibers. The correct answer is here, it is obtained from the wood pulp. You know that it is the semi-synthetic fiber, means it is made up of the wood pulps and some chemicals are used here. बच्चों, ये जो है wood pulp से बना होता है, इसको रेयन कहते हैं. ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वुड पल्प विच इज़ नेचुरल पार्ट. ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज द सेमी सिंथेटिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड. हियर इज गिवेन सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड. ओके, वर्ड विल बी आंसर हियर. दिस में एज यू नो दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड. सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं. तो देयर यू कैन राइट हियर मैन मेड एंड दीज आर द सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल. देयर फोर यू कैन राइट हियर आर्टिफिशियल. ओके, आंसर इज गिवेन हियर. सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथिसाइज फ्रॉम द रॉ मटेरियल कॉल्ड, एज यू हैव सीन, पेट्रोकेमिकल्स. ओके, पेट्रोकेमिकल्स आर द मेन सोर्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स. पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? मेन सोर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट वन इज द लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज अ व्हाट? पॉलीमर. प्लास्टिक क्या है बच्चों? पॉलीमर है. ओके, प्लास्टिक क्या है बेटा? पॉलीमर है. कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अब. ओके, गिव एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर द वेरी स्ट्रांग. ओके, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ये दिखाना है कि नायलॉन फाइबर जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. क्या करना है बेटा? हाँ, नायलॉन फाइबर क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रांग होते हैं. ये इंडिकेट करना है हमें एग्जांपल्स के थ्रू. ओके, एज यू नो दैट नायलॉन इज द सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर. ओके, इट इज़ यूज इन द पैरासूट, रॉक क्लाइंबिंग रोप्स,
फिशिंग नेट्स, सीट बेल्ट्स, ओके, दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके. नायलॉन थ्रेड इज इलास्टिक एंड लाइट बट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर. बच्चों नायलॉन क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये पता ही है. नायलॉन हेक्सिलेमीन से बना होता है, पहले हम लोग जान चुके हैं, और इसका यूज़ हम लोग पैरासूट बनाने में करते हैं. बच्चों पैरासूट जानते ही हो, ओके. रॉक क्लाइंबिंग्स, जब माउंटेन पे क्लाइंबिंग करते हैं तो जो रोप्स होती है वो भी नायलॉन की बनी होती है. और जो मछली पकड़ने के लिए नेट्स हम यूज़ करते हैं, और जो सीट बेल्ट बनाते हैं कार में बैठने के लिए, और जो और सारी गाड़ियों में सीट बेल्ट लगे होते हैं, वो सब नायलॉन के बने होते हैं. और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये इलास्टिक और लाइट भी होता है, मतलब इलास्टिक लाइक रबड़ की तरह से इलास्टिक थ्रेड होता है, और हल्का भी होता है, बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ओके, आई होप ऑल यू ऑफ यू ऑल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर द स्टोरिंग फूड. ओके, क्यों प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ किया जाता है फूड स्टोरिंग करने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसके क्या कारण है, उसे एक्सप्लेन करना है. एक बार और देख लेते हैं, प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ जो है हम लोग फूड स्टोर करने के लिए ज़्यादा फेवर किया जाता है, क्यों? तो इसके चार कारण यहाँ पे दिए हुए हैं. प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. वन इज़ द प्लास्टिक कंटेनर्स आर लाइट वेट सो दे आर ईजी टू हैंडल. पहला कारण क्या है कि हल्के होते हैं और उन्हें आसानी से हम हैंडल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह उठा के रख सकते हैं. अगला नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंटेनर. मेटेलिक कंटेनर के तुलना में जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं बहुत जो है कि सस्ते होते हैं. तो एक दूसरा कारण हो गया कम प्राइस का होना. हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका यूज़ कर लेते हैं. प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल और लंबे समय तक ये चलते हैं. तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं कि चार इसके कारण हैं, प्लास्टिक कंटेनर का ज़्यादा फेवर करना स्टोर करने के लिए फूड ना. पहला है कि कंटेनर जो होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के वेट के होते हैं, कहीं भी हम आसानी से ले जा सकते हैं. दूसरा है कि प्राइस इसकी बहुत कम होती है, प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स आर वेरी लेस एज़ कंपेयर टू द अदर कंटेनर्स. दूसरे कंटेनर्स की तुलना में इसकी कीमत जो होती है वो बहुत कम होती है. एंड दे हैव गुड स्ट्रेंथ मीन्स ये बहुत मजबूत होते हैं, कहने का मतलब ये है. और प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े लगते नहीं हैं, इसलिए हम इनका यूज भी लंबे समय तक कर सकते हैं. अदर जो मेटल वगैरह के होते हैं उसमें जंग लग सकती है. तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग सिक्स क्वेश्चन देखेंगे. एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. पहले तो बता दें कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, वो प्लास्टिक जिनको हम हीट करते हैं तो लूज हो जाते हैं, और जब कूल करते हैं तो हार्ड हो जाते हैं. दोज प्लास्टिक्स विच बिकम लूज और सॉफ्ट ऑन हीटिंग बट बिकम हार्ड ऑन कूलिंग. एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज प्लास्टिक्स विच बिकम हार्ड एंड हार्ड ऑन हीटिंग. ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में. पहला है प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बेंट इजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. कहने का मतलब है कि प्लास्टिक जो आसानी से जिनका हम शेप चेंज कर सकते हैं हीट करके, जिन्हें मोड़ सकते हैं आसानी से, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं. प्लास्टिक विच गेट डीफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक विच व्हेन मॉडल्स वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग. कहने का मतलब है कि जिन प्लास्टिक को हम रीमॉडल नहीं कर सकते हैं, नए शेप में यूज बना नहीं सकते हैं, जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, जिनको हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, वो थर्मोसेटिंग होते हैं. थर्मो
सेटिंग मीन्स हीट करने पे सेट हो जाते हैं, एक बार सेट हो गए तो बिगड़ नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। तो एक बार थर्मोसेटिंग बच्चों फिर से देखते हैं कि वो प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार जिस मॉडल के रूप में हम ढाल देंगे, बना देंगे, उन्हें वापस हम दूसरे फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, उन्हें हीट करके सॉफ्ट नहीं बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस है कि पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। यानी पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन तो देखा होगा जिसमें सामान सब्जियां घर में लेके आते हैं, हैं, और पीवीसी पाइप होती हैं जो घर में लगी होती है पाइप, ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। और बैकेलाइट और मेलामाइन ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं जिनको हम रीशेप नहीं कर सकते हैं। ओके, जो हमारे टीवी का कैबिनेट बना होता है, कंप्यूटर का कैबिनेट बना होता है, कीबोर्ड के कैब के बने होते हैं, जो स्विच बोर्ड स्विच बना होता है, वो सब बैकलाइट और मेलामाइन का बना होता है। क्रॉकरीज वगैरह जो होते हैं इसके बने होते हैं, इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। और थर्ड है बच्चों, देर आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टॉयज कॉम्ब एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। तो कंटेनर बनाने में, टॉयज बनाने में, और कॉम्ब्स क्या होते हैं जो बालों को हम सेट करते हैं, कंघी, उसको कॉम्ब्स कहते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। बैकलाइट यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक स्विचेस, हमने बताया ना इलेक्ट्रिक स्विचेस हैंडल ऑफ द वेरियस यूटेंसिल्स। मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच आर रेजिस्ट टू फायर। बैकलाइट का यूज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में, टीवी के कैबिनेट्स बनाने में, और जो घर में कुकर है, तवा है, उसका जो हैंडल होता है उसमें जो प्लास्टिक लगा होता है ना, वो बैकलाइट का बना होता है, वो थर्मोसेटिंग होता है। और मेलामाइन का यूज हम लोग करते हैं जो टाइल्स होती हैं, फ्लोर टाइल्स, उसको बनाने में करते हैं। किचन वेयर, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के किचन वेयर होते हैं जिसमें सामान वगैरह हम रखते हैं, वो बैक ये मेलामाइन के बने होते हैं। कुछ ऐसे फैब्रिक्स भी होते हैं जो ही फायर रेजिस्टेंट होते हैं, उनको हम बनाते हैं इसके थ्रू। तो बच्चों इसका हम लोग डिफरेंस जान गए थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ द थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, सॉसपेन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग स्विच एंड प्लग बोर्ड्स। क्वेश्चन ये है कि क्यों जो है कि सॉसपेन हैंडल्स जो होते हैं, हैंडल हमने बताया ना अभी, हैंडल्स जो घर में कुकवेयर्स होते हैं उनके हैंडल प्लास्टिक के होते हैं, वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। और हमने बताया कि स्विचेस जो होती हैं, प्लग जो होते हैं, प्लग बोर्ड्स होते हैं, वो सब क्यों थर्मोसेटिंग के बने होते हैं, क्या कारण है। ओके, सिंगल कारण है बच्चों, वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं और फायर रेजिस्टेंट होते हैं। मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन द अदर प्लास्टिक, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सॉसपेन हैंडल विच रेजिस्ट फायर। तो बच्चों मेलामाइन क्या होता है, फायर रेजिस्ट होता है और हीट को टॉलरेट कर सकता है अदर प्लास्टिक। देखा होगा कि अदर प्लास्टिक क्या होते हैं, हीट पाते ही गल जाते हैं, लेकिन जो मेलामाइन से बना होता है, जो हमारे सॉसपेन में हैंडल बना होता है, वो जो है गैस पे रखा होता है फिर भी मेल्ट नहीं करता है। ओके, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये फायर रजिस्ट होते हैं, आग नहीं लगेगी और हाथ नहीं जलेंगे, तो इसलिए मेलामाइन का बना ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ हम करते हैं सॉसपेन हैंडल बनाने के लिए। और स्विच प्लग बनाने के लिए बैकलाइट यूज करते हैं, ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और ये पुअर कंडक्टर होता है। मेन बच्चों ये होता है कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, इसलिए कभी भी हम इनको टच करेंगे तो ना हीट हमें लगेगी ना इलेक्ट्रिसिटी मारेगी, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड स्विच एंड प्लग बोर्ड्स। समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेंस, प्लास्टिक बॉल्स, प्लास्टिक कवरिंग्स ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड प्लास्टिक चेयर्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ये कुछ सामान दिए गए हैं जिनमें हमें कैटेगराइज जिनको करना है
रिसाइकल करने वाले में और नॉन रिसाइकल, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उनका ग्रुप बनाएंगे जो रिसाइकल नहीं कर सकते हम लोग। ओके, तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे जो प्लास्टिक टॉय होते हैं, जो कैरी बैग्स होते हैं, बॉल पॉइंट पेन होता है, प्लास्टिक बॉल होता है, और जो वायर के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर, ये प्लास्टिक चेयर होता है, ये सब रिसाइकल हो सकते हैं, ये सब थर्मोप्लास्टिक होते हैं। हम लोग ऊपर देखें एग्जाम्पल में और डिफरेंस में भी। और जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुकर हैंडल होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं, इनको रिसाइकल नहीं कर सकते क्योंकि ये थर्मोसेटिंग होते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से देखते हैं, प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, बॉयल्स एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड द प्लास्टिक चेयर कैन बी रिसाइकल्ड। हम लोग प्लास्टिक टॉय को, कैरी बैग्स को, बॉल पॉइंट पेन्स जो होती हैं, प्लास्टिक के जो कटोरे होते हैं, और इसके अलावा जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है तारों के ऊपर, इलेक्ट्रिक के वायर्स के ऊपर, और प्लास्टिक की जो चेयर होती है, उसे हम आसानी से रिसाइकल कर सकते हैं क्योंकि ये थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक के बने होते हैं। लेकिन जो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होता है, रिसीवर जो बना होता है, नंबर डायलर जो बना होता है, कुकर हैंडल्स जो बने होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो बनी होती हैं, उनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थिंकिंग टाइप, यू हैव टू आल्सो थिंक। राणा वांट्स टू बाई शर्ट्स फॉर द समर, शुड ही बाई कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम द सिंथेटिक मटेरियल, एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन। राणा को बताना है कि गर्मी के दिनों में वो शर्ट खरीदना चाह रहा है तो उसे कॉटन का शर्ट खरीदना चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल से बना शर्ट खरीदना चाहिए, अपना एडवाइस देना है और उसका रीजन बताना है आपको। जरा सोचिए, सोचिए जरा क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। सोच लिया बच्चों? देखो, कॉटन शर्ट जो होता है समर के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेशन आसानी से हो जाता है। ओके, और जो सिंथेटिक होते हैं वो स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो गर्मी के दिनों में जितना स्वेटिंग होती है एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो हम लोग क्या सजेस्ट करेंगे, राणा इज सजेस्टेड बाई टू बाई अ कॉटन शर्ट फॉर द समर बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब द स्वेट एंड पोर्स इन द कॉटन अलाउ टू ईजी इवेपोरेशन एंड कीप आवर बॉडी कूल। तो कॉटन के जो शर्ट होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये आसानी से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और पोर्स से इवेपोरेशन हो जाता है तो बॉडी में ठंडक बनी रहती है। वेयर अ सिंथेटिक शर्ट डजंट एब्जॉर्ब स्वेट, सो दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल। चूँकि अब पसीना एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में चिपचिपापन बना रहेगा, अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, कपड़े गीले रहेंगे। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, टेंथ क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव, नॉन कोरोसिव मीन्स व्हाट बच्चों? ये पूछा गया है कि कैसे दिखाओगे कि प्लास्टिक में कभी जंग नहीं लगती है, कोरोसिव नेचर का ये नहीं होता है। ओके, तो हम देखते हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों जो है प्लास्टिक में, लोहे में जंग लग जाती है, कॉपर में लग जाता है, इवन वैल्यूएबल जो होते हैं कुछ थोड़ा बहुत तो चांदी में भी, सिल्वर में भी लग जाता है। क्यों ऐसा होता है कि ये नॉन कोरोसिव होते हैं? उसका कारण होता है कि प्लास्टिक जो होते हैं वो कभी भी एयर से रिएक्शन नहीं करते, वाटर से रिएक्शन नहीं करते। ओके, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं।
इसलिए प्लास्टिक के कंटेनर हम लोग यूज करते हैं. ओके इसके लिए वी कैन स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ द केमिकल एंड अदर मटेरियल इन द प्लास्टिक कंटेनर बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव. ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम लोग एयर टाइट अगर प्लास्टिक कंटेनर में कोई चीज़ें रख देते हैं तो लंबे समय तक काम करते हैं. डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर. तो हम जो भी बिस्किट वगैरह डब्बे में बंद करके एक बार टाइट बंद करके रख देते तो सेफ पड़ा रहता है. ओके अगर वही कोई हम मेटल वगैरह में रखते हैं तो मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, तो इसमें जो है चीज़ें खराब हो सकती हैं और जंग लगने से भी हमारी चीज़ें स्पॉयल हो सकती हैं. टेफ्लॉन इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर कोटिंग द मैन्युफैक्चर नॉन स्टिक कुकवेयर. नॉन स्टिक कुकवेयर घर में देखा होगा, नॉन स्टिक कुकवेयर क्या होते हैं, इन पे जो घी तेल चिपकते नहीं हैं, इनको धोना बहुत आसान होता है, केवल पोंछ के भी रख देंगे तो भी साफ़ हो जाते हैं. ओके बेकेलाइट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड हैंडल एंड यूटेंसिल्स. ओके तो बैकलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है. तो हम जो स्विच अगर मान लो हम मेटल का बना देंगे तो क्या होगा, हमें करंट मारेगा, इसलिए प्लास्टिक का लगा देते हैं. तो प्लास्टिक से ना तो वो हीट होता है ना तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मारता है. ओके सपोज और इसी वजह से जो हैंडल होते हैं यूटेंसिल्स के वो भी वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बना देते हैं. और जो फ्लोर टाइल्स है, किचन वेयर्स हैं, ये मेलामाइन से बना होता है. तो ये सब ड्यूरेबल होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्शन ही नहीं करते. कोरेसिव नेचर किसी का पाया जाना क्या होता है, क्योंकि अगर कोई भी एयर वाटर से रिएक्शन करेगा तो उसकी सरफेस ख़राब हो जाएगी. लेकिन ये जो होते हैं प्लास्टिक जो होते हैं, इनके सरफेस नॉन रिएक्टिव होते हैं तो वाटर एयर से रिएक्शन ही नहीं होता है, तो कोरिजन भी नहीं होता है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. 11th क्वेश्चन, यू शुड हैंडल एंड ब्रशेल ऑफ द टूथ ब्रश आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. शुड द हैंडल्स एंड ब्रशेल ऑफ ए टूथ ब्रश इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल, एक्सप्लेन योर आंसर. बच्चों क्वेश्चन ये है कि जो ब्रश हम यूज करते हैं अपने दांत को सफा करने के लिए, टूथ ब्रश यूज करते हैं, तो उसमें जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो दूसरे मटेरियल का बना होता है, जो हैंडल होता है वो दूसरे मटेरियल का बना होता है. एक्सप्लेन कर सकते हैं आप आंसर क्यों ऐसा होता है. सपोज अगर जिस प्लास्टिक का हैंडल बना है उसी प्लास्टिक का अगर ब्रिस्टल बना हो तो क्या होगा, सोचना है ना. कभी सोचा कि क्यों हैंडल और ब्रिस्टल जो होते हैं टूथब्रश के अलग अलग होते हैं. सिंपल है, ब्रिस्टल से हम टूथ को क्लियर करते हैं. ओके और जो हमारे गम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं. अगर हार्ड ब्रिस्टल होंगे तो क्या होंगे, गम्स में चोट लग जाएगी. ओके और हैंडल अगर लूज होगा तो हम ब्रश कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. ओके इसलिए हार्ड प्लास्टिक का बना होता है. देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द ब्रिस्टल ऑफ द टूथ ब्रशेज शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सो दैट इट डजेंट हार्म द गम्स एंड द हैंडल शुड बी मेड ऑफ द हार्ड मटेरियल सो दैट इट गिव्स ए फॉर्म ग्रिप. ओके देयरफॉर ब्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ द नायलॉन फाइबर विच आर द स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लस्चरस लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल एंड हैंडल इज मेड अप ऑफ द हार्ड प्लास्टिक स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो बच्चों समझ में आ गया, जो ब्रिस्टल होते हैं क्यों सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि हमें उससे क्या क्लीन करना होता है, गुड गम्स एंड टीथ. तो अगर हार्ड रहेगा तो इनेमल भी ख़राब होगा और गम्स भी ख़राब हो जाएंगे. और अगर हैंडल सॉफ्ट होगा, हार्ड प्लास्टिक का नहीं होगा, तो हम हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, ड्यूरेबल वो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों. अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल कमेंट एंड एडवाइस. अब एक नई बात आ गई, जैसे भी संभव हो हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए. कुछ कमेंट आपको एडवाइस करने हैं. तो बच्चों ये हमेशा सुनने में आ रहा है कि प्लास्टिक क्या होते हैं,
वेरी ड्यूरेबल होते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर लगते नहीं है, वो हमारे लिए क्या है, ये हार्मफुल है। नाउ अवर डेज प्लास्टिक बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। हम लोग जान गए इतना अब तक पढ़ने के बाद, ये तो समझ में आ गया। हम लोग ये जान गए कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक, और उसके रीजन भी जान गए। लेकिन इवन दो वी शुड अवॉइड देम एज फार एज पॉसिबल फॉर फॉलोइंग रीजन, निम्न कारणों से हमें इसका यूज़ करने से बचना चाहिए। प्लास्टिक पहला तो ये हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे पेपर वगैरह अगर मिट्टी में मिल गया तो ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, नहीं पता लगेंगे। लेकिन ये प्लास्टिक अगर मिट्टी में पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा, डिकम्पोज ही नहीं होगा, बहुत समय लेता है डिकम्पोज करने। और दूसरा, ये इको फ्रेंडली नहीं है, प्लास्टिक आर नॉट इको फ्रेंडली। बाय बर्निंग प्लास्टिक पॉइजनस फ्यूम्स आर रिलीज दैट काज द एयर पॉल्यूशन। अगर हम इन्हें जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होगा। समटाइम्स काऊ एंड अदर एनिमल मे ईट द प्लास्टिक, सुना ही है, गार्बेज में कूड़े में जो होते हैं हमारे गाय भैंसे खा लेती हैं, उनके रिस्पायरेटरी ट्रैक में जाके फंस जाता है, मर जाती हैं। ओके, समटाइम्स काऊ एंड अदर एनिमल्स मे ईट प्लास्टिक प्रेजेंट इन द गार्बेज विच मेक चोक देयर रिस्पायरेटरी सिस्टम इवन काज डेथ, यहाँ तक कि मौत भी हो जाती है। प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉयल रिजल्ट इन द सॉयल, अगर मिट्टी में पड़ा रह गया प्लास्टिक तो सॉयल पॉल्यूशन हो गया। प्लास्टिक बैग अगर ड्रेन्स में चला गया तो ड्रेन बॉडी को चोक कर देगा, वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रॉब्लम करेगा। पॉली बैग्स चोक द ड्रेनेज, सीवेज वगैरह जो होते हैं, देखा होगा शहर में सीवेज ओवरफ्लो होता है तो कैसे होता है, ये प्लास्टिक के बैग्स वगैरह जा कर के ड्रेन्स में फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, समझ में आ गए, इसको हमें मैच करना है। कॉलम वन में दिया पॉलिस्टर टाइलॉन, पॉलिस्टर टेफलॉन सॉरी और रेयन नायलॉन, और कॉलम टू में दिया प्रिपेयर बाय यूजिंग पल्पवुड यूज फॉर द मेकिंग पैरासूट एंड स्कोटिंग्स यूज टू मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल ईजली, इसको मैच कर सकते हैं। आंसर नीचे दिया हुआ है, पॉलिस्टर क्या होता है, फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल, जिसमें सिकुड़न नहीं आती है वो पॉलिस्टर का बना होता है। जो कपड़े सिकुड़ते नहीं है, कितनी बार भी पहनो, कैसे भी मोड़ के रख दो, फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं। टेफ्लॉन क्या होता है, नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज़ करते हैं। रेयन क्या होता है, पल्प से बना होता है, सेमी सिंथेटिक है। और नायलॉन सिंथेटिक है, जिसका यूज हम पैरासूट और स्टॉकिंग्स में करते हैं। गुड बच्चों, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअल हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने से हमें मदद ये मिल रही है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्वेट कर पा रहे हैं, कंजर्व कर पा रहे हैं, इस पर कमेंट देना है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, भाई तो पता ही है, मैन मेड्स। दीज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स, पता ही है कि ये पेट्रोकेमिकल से बने होते हैं, मैन मेड है पूरी तरह से। मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर कटिंग ट्रीज और किलिंग एनिमल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब हमें बनाने के लिए, इन सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए ना तो पेड़ों को काटने की जरूरत है और ना एनिमल को मारने की जरूरत है। तो इस तरह से हमारा नेचर क्या है, कंजर्व पड़ा रहेगा। तो हैंस मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली हेल्प कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। समझ आ गया बच्चों। और लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, डिस्क्राइब द एक्टिविटी सो द थर्मोप्लास्टिक्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अगर यहाँ पे एक सर्किट देखो दिखाया गया बच्चों, दो सर्किटें हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक में कंडक्टर लगा है, एक में थर्मोप्लास्टिक लगा है। अब ये कंडक्टर क्या करेगा, यहाँ करंट फ्लो करेगा, तो हम अगर टच करेंगे तो क्या होगा, करंट मार देगा ना, यहाँ से यहाँ करंट जा रही है, एकदम ओपन है। अब इसको टच करेंगे तो हमें अगर इसी के ऊपर थर्मोप्लास्टिक देखो लग गया, यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक, तो इस प्लास्टिक के ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, करंट इधर से इधर तो जाएगी। अब यहाँ पे अगर करंट, सपोज कि हमने इस कंडक्टर को हटा करके यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक लगा दिया, तो इधर करंट जा रही है, बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, देखो यहाँ जल रहा है बल्ब, क्योंकि इनके बीच में कंडक्टर है। अब यहाँ पे हमने प्लास्टिक लगा दिया है, थर्मोप्लास्टिक, तो कनेक्शन कट गया, बल्ब जल रहा है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो बच्चों इस तरह से सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के भी क्वेश्चन आंसर हो गए, एक्सरसाइज से कंप्लीट कर लेना। ओके,
अब कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हैं।